पूरे देश भर में आज संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान गुरुग्राम नगर निगम के पार्षद महेश दायमा ने शिरकत की और कहा कि पहली क्लास से ही बच्चों को अब संविधान पढ़ाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कानून का भी जानकारी हो। आपको बता दें कि गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल का आज पहला दिन था। महेश दायमा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि आज उनके पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है, और इसीलिए अगर बच्चों को शुरुआत से ही उनके दिखाए हुए रास्ते चला जाएगा तो देश तरक्की की बुलंदियों को छू लेगा, साथ ही नौनिहालों का भविष्य बेहतर होगा। साथ ही इस मौके पर गीतांजलि स्कूल के पहले दिन की शुरुआत की बधाई दी और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। देखिए, अम्बेडकर जी का आज जयंती है और एक बहुत बड़ा दिन है। बेसिकली अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा और जो आज तक भी हम उसको मानते हैं और उसी के आधार पर पूरा भारत एक डेमोक्रेसी के रास्ते पर चला, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अंबेडकर जयंती की सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एक कमरे में चल रहे हैं, सरकारी स्कूल, बात करें कादर तो उनको लेकर क्या कुछ सरकार से बात हुई, जिला प्रशासन? देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास लैंड तो बहुत है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आज जिस तरीके से गुड़गांवा है, गुड़गांवा बढ़ रहा है, एक नई सिटी बन रहा है, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पास लैंड, जो ज़मीन का एरिया है, बहुत ज़्यादा है, और जो रूम्स की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। हालांकि इस बारे में मेरी एजुकेशन मिनिस्टर जो कंवरपाल गुर्जर जी से भी बात हुई है इस बारे में कि एजुकेशन को, चूँकि हर एक आदमी की रीच पर प्राइवेट स्कूल नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हर एक आदमी की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती, तो उस लिहाज से जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, माननीय मिनिस्टर साहब कंवरपाल जी जो उस पर काम कर रहे हैं, उस पर हमारा प्रयास है कि एक नए शिक्षा के नए आयाम पर, नई शिक्षा नीति जैसे बनी है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। इस तरह से लगातार प्रोग्राम की बात करें या हरियाणा के बड़े शहरों की बात करें, प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, मनमानी फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है, क्या राहत हो सकती है और किस तरह से स्कूलों को मैसेज है या फिर किस तरह का? देखिए नीरज जी, उसमें तो देखिए एक स्कूल होता है, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री चल रहे हैं बिल्कुल ही, उनमें कोई बहुत रिजनेबल सारा उनका, बच्चों को सब कुछ उसमें खाने का और व्यवस्था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड पूरा का पूरा दिया जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं गुड़गांव में, जिस तरीके से बढ़ा है प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, अब इतना बड़ा इंफ्रा खड़ा करने के लिए, कुछ सिस्टम को चलाने के लिए, हालांकि गवर्नमेंट जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, जो सरकार की तरफ से उनको हिदायत है कि भाई वो उनको भी वहाँ पे एजुकेशन दी जाए, तो मुझे लगता है कि ठीक है, रिजनेबली। अब क्योंकि अब इतने बड़े अगर स्कूल को हम सोचेंगे वो फ्री चला लेंगे तो लोएस्ट, क्योंकि जितनी कैपेसिटी, पेइंग कैपेसिटी होगी तभी तो वो स्कूल चल पाएंगे ना, क्योंकि टीचर्स भी हैं, स्टाफ भी हैं, तो उसके लिहाज से बस मैं मानता हूँ कि रिजनेबल फीस हो ताकि हर आदमी उसमें अफोर्ड कर पाए, ये मेरा मानना है इसमें। सर, नॉर्थ इंडिया में हमने इसलिए ये स्कूल्स खोले जाएँ, गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स साउथ इंडिया में, अगर आप जानते हैं एज बीइंग साउथ इंडियन स्कूल्स, हमारे 10-12 स्कूल्स सिकंदराबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु में हैं, वहाँ अब तो अब से क्या 5 साल पहले से सीट कोई भी ब्रांच में नहीं मिलते गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स में साउथ में। बेसिकली वहाँ इतना डिमांड क्यों आया है कि बेसिकली क्वालिटी, पेरेंट मानता है कि क्वालिटी एंड सर्विसेस, सर्विसेस इज द मोस्ट मेन एरिया वेयर वील गिव 100% फुलफिलमेंट इन गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल्स। इसमें इंटीग्रेटेड करिकुलम के साथ IIT की फाउंडेशन भी देते हैं, मेडिकल की भी पढ़ाई करवाते हैं, स्ट्रेस लेवल ना हो करके बच्चों को पढ़ाई दी जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, इसलिए साउथ में हमने नंबर वन है। तो अभी नॉर्थ में हमने एंटर किए हैं, अभी हमने 3-4 राज्यों में स्टार्ट किए हैं, पंजाब में भी स्टार्ट किए हैं, गुड़गांव में भी स्टार्ट किए हैं, अपकमिंग UP में स्टार्ट होएगा, फिर वेस्ट बंगाल स्टार्ट करेंगे, फिर महाराष्ट्र स्टार्ट करेंगे। क्यों ये खोले जा रहे हैं बोले तो हर जगह, जैसे क्वालिटी जहाँ जहाँ हो, क्वालिटी के मतलब कि बच्चे का बेस फाउंडेशन स्ट्रांग हो, व्हेन द किड्स बेस फाउंडेशन इज स्ट्रांग, किड इज ऑटोमेटिकली विल ग्रो अप। जैसे आज महेश देमा सर ने बताया कि एक स्ट्रांग बात मुद्दा, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया, बेस आप लोगों ने स्ट्रांग करनी है बच्चों की, व्हेन CDR लाइक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन एंड फार्मूला जब बच्चे का स्ट्रांग हो जाएगा, ऑब्वियसली बच्चा आगे बढ़ जाएगा। सो यही हमारा मुद्दा रहेगा, जितने भी स्कूल खुलेंगे हम इस स्कूल्स को कम से कम 100 नियर बाई स्कूल्स खोलने की प्रयास हमारे 5-6-7-10 सालों के अंदर
10-12 राज्यों में स्कूल्स खुलने की कोशिश करेंगे, गीतांजलि इंटरनेशनल स्कूल के नाम से ऑल ओवर इंडिया इसको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। यस सर, बिल्कुल सर, गरीब बच्चों के हिसाब से सर, जो जैसे लॉटरी सिस्टम में है सेम 5% ऑफ द RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार हमने ऑलरेडी फाइल्स हमारे सबमिशन कर दिए गए हैं अफिलिएशन के लिए। वंस वील गेट द अफिलिएशन वील स्टार्ट प्रोसेसिंग फॉर द RTE स्टूडेंट्स ऑल्सो एज पर द गवर्नमेंट कैटेगरी। अच्छा, अपने प्रोग्राम में गीतांजलि की साउथ की बात करें तो बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं, नामी है, तो प्रोग्राम में जो है दो ब्रांचेज आज से शुरू कर दीजिए, क्या पेरेंट्स को भरोसा आपकी तरफ से? मैं पूरा विश्वास उनको दिलवाना चाहूँगी। जो ग्रुप साउथ में इतनी सक्सेसफुल रही है अपनी स्किल सेट से, अपने प्रैक्टिस से, और अब चाह रहे हैं कि वो हम अपने नॉर्थ में जो हमारे नए ब्रांचेज हैं उनमें वो इम्प्लीमेंट करें, ये सोच लेकर हम वी हैव ओपन्ड 2 ब्रांचेज टुडे एट गुड़गांव। वन इज़ एट सेक्टर 57 एंड वन इज़ एट DLF 4। एंड टुडे इज़ अ वेरी वेरी ऑस्पिशियस डे फॉर अस, इट इज़ अम्बेडकर जयंती इज़ वेल, एंड वी होप that we move forward and inculcate the ideology of Dr. Ambedkar in our children and incorporate value system that is going to make them global citizens in times to come. Madam, बहुत सारे स्कूल है छोटे से लेकर बड़े तक, हर लेवल के फीस के लिहाज से या फिर सिक्योरिटी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, आपके स्कूल में पेरेंट्स क्यों आए, क्या ऐसा खास है? हमारी ये बहुत कोशिश रही है, हमारे मैनेजमेंट की सोच एक पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक पेरेंट अप्रोच की सोच रही है कि अगर एक पेरेंट अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं अलॉन्ग विद ऑल द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड द न्यू पेडागॉजी दैट इज़ कम इन, तो उनको क्या ये ज़रूरी है कि बहुत एक्सपेंसेस एक्सपेंड करना? अगर वो एक मॉडरेट अमाउंट में, रीजनेबल अमाउंट में हो सकता है तो वाई नॉट। सो कीपिंग दैट थॉट इन माइंड we have kept our fee structure very moderate so as that we can give the best to our children in whatever little that we are collecting from parents. Thank you.